चाचा किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? हम आपको चैनल से बताना चाहता हूं, वहां किसान कोई है ही नहीं, वहां सिर्फ किसानों के ठेके, जो अपने को ठेकेदार बड़े बड़े ये राकेश टिकैत हैं, क्या किसानों के कभी हित की बातें नहीं की? महेंद्र सिकैत बनाया था उनकी टूट करके तीन, भानु गुट का अलग है, सारे किसान ने, किसान जो है वो अपने खेत में काम कर रहा है, ये सिर्फ माफिया टाइप किसान माफिया है, ये जा करके सिर्फ सरकार के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस के भेजे हुए प्रायोजित आदमी हैं, और जो कि वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इससे भला किसानों का नहीं होना। किसान जान रहा है किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 80% ये 20% किसान जो है 80% किसानों का हक खाए बैठे हुए हैं, ये अपना सिर्फ वो बचाने के लिए ये सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ 80% किसानों को वे बेवकूफ बना करके सिर्फ उनको दिखा रहे हैं, जबकि वो उनसे कोई इस आंदोलन से लेने देना नहीं है, और इनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार ने जो किया वो ठीक किया, वो देश हित में होगा, देश हित में काम किए जा रहे हैं। मोदी सरकार ही इनके वादों को मांग रहे थे कि हम लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, और 700 किसानों की जब शहादत हुई तो सरकार पीछे भी हटी उस कानून से, उसके बाद एमएसपी जब 6 महीने में बाद मोदी सरकार ने कही थी कि लागू करेंगे, तो क्यों नहीं लागू हो रहा? लागू होगा, 13 मांगे थी 10 मांगे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों की मान ली है, 3 मांगों पे विचार हो रहा, विचार में उसमें ये भी देखना पड़ेगा सबका कम से कम कल्याण कैसे होगा, सारे किसानों का कल्याण, क्या कोई सिर्फ बड़े बड़े किसानों का कल्याण कर करके सरकार नहीं रहे, सरकार गरीबों की है, मजलूमों की है, किसानों की है, जो किसान परेशान है और जिनको होना चाहिए उनको उनका होना चाहिए, उनके लिए सरकार कटिबद्ध है, उनके लिए सरकार सारी योजनाएं कर रही है, आप जाकर के गांव में देख लीजिए, सारे किसानों को सारी व्यवस्था, चाहे किसान सम्मान निधि हो और चाहे जो भी हो, सब सारा किसानों में, चाहे उनको लैट्रिन की व्यवस्था हो, चाहे उनके आवास की व्यवस्था हो, सब सरकार कर रही है, उनको 5 किलो राशन, जो गरीब है जिनको वाकई में मिलना चाहिए, जो 80% जनता हमारी देश की परेशान थी, 60 साल के इन लोगों के जो 20% के जो अब चाहे सपा के हो चाहे कांग्रेस के नेता हैं, ये 80% जनता को, चाहे वो पिछड़ी जात के लोग हों चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, वो 80% लोगों को पीछे पीछे चलाने का काम करते रहे, आज वो सब जान चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में पुनः 450 करीब इससे ज्यादा सीटों से बनेगी, और विपक्ष एकदम साफ हो जाए, कोई ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, इसी तरह ये कि करते रहे देश के साथ खिलवाड़, देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये किसान को आप असली किसान नहीं मानते? बिल्कुल ना, किसान देश हित में काम का, किसान तो वो है, किसान देश हित में काम करता, ये किसान नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ अपनी रोटी अपना वो बचाने के लिए, सिर्फ कुछ वहाँ होंगे, कुछ ले जाकर के वो बैठा दिए होंगे, लेकिन वो उनसे लेना देना नहीं, उनसे अगर पूछा जाए तो उनको मालूम ही नहीं कहे के लिए हमको बैठाया गया, समझ, सिर्फ और 500 पार्ट दे उनको देते हैं, और ये सब कांग्रेस प्रायोजित है, कांग्रेस हाँ उनको देते हैं, उनको खाने, अरे बताइए कौन सा किसान जा करके वहाँ ट्रैक्टर से है, वहाँ पे बिस्तर लगा करके आराम से एसी चला करके बैठे रहे, किसान है? किसान तो गांव में आप जाइए देखिए, जाकर किसान गांव में आज काम कर रहा है, आज उसकी फसल तैयार हो रही है, बिल्कुल उनको ले जाकर के कांग्रेस के और ये जो बड़े बड़े होते हैं ये पैसा दे करके विदेशों से पैसा आ करके सरकार को अस्थिर करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये आंदोलन कराया जा रहा है, और कुछ नहीं, चुकी चुनाव आ गया है, अब देख लीजिए अभी किसानों के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह को आज तक इन लोगों ने क्यों नहीं उनको सम्मान दिया, आज ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया, कर्पूरी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया, स्वामीनाथन आयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सम्मान दिया, और नरसिंहा जो इनके ही प्रधानमंत्री थे उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उनको सम्मान दिया है, और ये तो अपने ही उनका सम्मान है, उनका उनकी लाश को भी नहीं कांग्रेस मुख्यालय में ले जाने दिए, ये इन मानसिकता के लोग हैं, इनको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, इनका देखला सर्वनाश हो जाएगा, इनका कोई 2047 कोई बात कहने वाला नहीं रह जाएगा, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ।